अंजना माता निवेदन कर रही है, पार्वती जी पूछ रही है तू चाहती क्या है बोल। तो किसी भगवान शिव अपने रूप में नहीं आएंगे, जगदम्बा अपने रूप में नहीं आएंगी, माँ अगर आएगी तो रूप बदल के ब्राह्मणी का रूप रखकर आ गई। और अंजना जी से पूछा बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या, अंजना माता कहती है मेरे गर्भ से संतान नहीं है, कृपा करो संतान नहीं मेरे यहाँ, कृपा करिए। जैसे दशरथ जी ने कहा था गुरुदेव मेरे घर में औलाद नहीं, तीन धर्म पत्नियां संतान नहीं, कहा चार होंगे, पार्वती जी ने तुरंत कहा संतान नहीं इसलिए पूजन कर रही है। हाँ शिव जी ठीक है, और माता पार्वती जी गई, शंकर भगवान ने पूछा क्यों पार्वती होके आ गई, हाउ पूछिए आई, हाउ क्या पूछा, संतान नहीं है उनके यहाँ, अच्छा तो उनको संतान चाहिए तो आशीर्वाद दिया थी। पार्वती जी बोली आशीर्वाद तो मैं कब का दिया थी, पर उनकी ख्वाहिश तो सुनो, जो मांगा है वो तो सुनो। शंकर भगवान ने पूछा ऐसा क्या मांग लिया, तो क्या पार्वती जी बोल रही है कि अंजना माता कह रही है संतान हो मुझे, तो जिसकी मैं पूजन कर रही हूं ऐसी ही हो, शंकर भगवान जैसी औलाद। शंकर भगवान बोले तो फिर तो कभी नहीं होने वाला। पार्वती जी बोली मैं आशीर्वाद दे के आई हूँ कि मैं आके बताती हूँ तेरे को, चिंता मत कर, अब आप भी जल्दी से भर दे दो। शंकर भगवान बोले सुन पार्वती, अगर मैं मेरा ही स्वरूप अंजना के गर्भ से अगर प्रकट करता हूँ तो अंजना मुझे गर्भ में धारण नहीं कर सकती, मुझे गर्भ में धारण नहीं कर सकती अंजना, तो फिर आप जाकर कुछ तो करिए। शंकर भगवान ने कहा मैं पवन देवता के द्वारा अपने तेज पुंज को भेजूंगा जो अंजना के गर्भ में जाएगा और अंजना के गर्भ में छह हिस्से में बट जाएगा, तो छह हिस्से में जब वो गर्भ बटेगा तो अंजना माता के गर्भ से महाराज एक नहीं छह पुत्रों का जन्म होगा। कितने पुत्र, छह। हनुमान जी सगे भाई हैं, छह। कितने भाई हैं, छह। हनुमान गतिमान रतिमान मतिमान प्रतिमान, ऐसे हनुमान जी छह भाई हैं, एक नहीं छह स्वरूप में प्रकट होंगे। और हनुमान जी महाराज अंजना माता ने जो तेज पुंज धारण करा उन्हीं के सुंदर गर्भ से सुंदर श्री शंकर का ही एक स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, श्री हनुमान जी महाराज की। फिर हनुमान जी के बाद जो आए हैं वो गतिमान है, फिर रतिमान है, वृतिमान है, कैतुमान है, ऐसे हनुमान जी के छह भाइयों का प्रागट्य हुआ। पर एक भी भाई कमजोर नहीं था हनुमान जी का, सब प्रबल थे महाराज। आज भी नियम है जो फैक्ट्री नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर आज भी गतिमान हनुमान के नाम से लगाया जाता है, गतिमान हनुमान के नाम। माता अंजना ने जो सुख पाया श्री शंकर भगवान का एक स्वरूप अपने भीतर पाया।